हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आई ब्लिंक जो ब्लेंड शेप है उसको बनाएंगे। लेफ्ट और राइट आई ब्लिंक को किस तरीके से बनाएंगे और एक आई ब्लिंक हम लोग बनाएंगे एक साइड का और दूसरे साइड को किस तरीके से मिरर करेंगे वो मैं टिप्स बताऊंगा। तो मैं ये जो हमारा मेन फेस है उसको मैं डुप्लिकेट कर लेता हूँ ग्रुप को और इसको अपने ग्रुप से अनपेरेंट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फेस के अंदर देखिए, फेस है, टंग है, आई जो है सेपरेट है और अप एंड डाउन टीथ ये हमारे ऑब्जेक्ट हैं। तो मैं पहले इसको प्रीफिक्स नाम दे देता हूँ। ये हमारा प्रीफिक्स कमांड है, इसके थ्रू मैं एक प्रीफिक्स अपना सेट कर लेता हूँ। तो ये हमारा सब अंडरस्कोर करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये हमारा सब फेस हो गया। जो ये इसलिए मैंने क्रिएट किया कि इसी फेस के ऊपर हमारे सारे ब्लेंड शेप्स ऐड होंगे। जो मेन फेस होगा हमारा फ्री रहेगा और जो सब फेस है इसी के ऊपर हमारे सभी ब्लेंड्स अप्लाई होंगे। तो मैं सब फेस को एक बार और डुप्लिकेट कर लेता हूँ, इसको मैं एक्स एक्सिस में मूव कर लेता हूँ। जो ये हमारा ग्रुप होगा आई ब्लिंक का ग्रुप होगा, तो मैं इस ग्रुप को आई ब्लिंक GRP 01 कर देता हूँ। और जो हमारा फेस है उसको भी मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको एल फेस रख देता हूँ और बाकी के ऑब्जेक्ट हैं उसको डिलीट कर देता हूँ। बस मैं आई को छोड़ देता हूँ, जो हमारा लेफ्ट और राइट आई है उसको छोड़ देता हूँ। जूम करके अब हम लोग जो आई का इनर मिड पोर्शन है एक सेक्शन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जो हमारा सॉफ्ट सेलेक्शन है उसको ऑन करके इस तरीके से और हम लोग आई को अपर लीड है जो हमारा आई का अपर लीड है उसको डाउन करेंगे। सो इस तरीके से हम लोग इसको सेट करेंगे, अपने अकॉर्डिंग ट्विक करते जाएंगे जब हम लोग आई क्लोज करते हैं तो किस तरीके से इफ़ेक्ट चाहिए होता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सेट करते हैं। इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ इसको ट्विक करना। जो आई का शेप होता है उसको प्रॉपर मेंटेन रखें, शेप ना डिस्टॉर्ट हो। एज लुक सेलेक्ट करेंगे। जो ब्लेंड से बनाते हैं हमारे पास दो टूल बहुत पावरफुल होते हैं यहाँ पे यूज़ करने के लिए, एडिट एज फ्लो और स्लाइड एज टूल। ये दोनों कमांड जो होते हैं बहुत पावरफुल होते हैं, हमें ब्लेंड शेप बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इन्हीं दोनों कमांड के थ्रू हम लोग सभी ब्लेंड शेप को अचीव करते हैं। एज का लूप होता है उसको मेंटेन रखा जाता है। तो ये इस तरीके से अभी हमारा लूप है, देखिए एज फ्लो लूप जो हमारा क्या करता है, एक लूप में जो हमारा एजेस होते हैं उसको ऑर्गेनाइज करता है। आई बॉल का जो शेप होता है उसको हम लोग मेंटेन रखेंगे। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया आई का ब्लेंड। अब उसके बाद जो है हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो हमने ब्लेंड बनाया है उसको, देन जो हमारा सब फेस है उसको डिफॉर्मर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे ब्लेंड शेप का कमांड दिख रहा है उस पर हमना नोड का नाम देंगे। तो फेस BS मैंने नोड का नाम दिया और बाय डिफॉल्ट छोड़ दिया, अप्लाई कर दिया। अभी मैं शेप एडिटर को ओपन करूँगा। अब यहाँ पे हमारा जो ब्लेंड शेप का नोड है और इसके अंदर एक हमारा आई ब्लिंक का नोड कनेक्ट हो गया। जो आई ब्लिंक का जो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ ब्लेंड शेप्स हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको BS कर देता हूँ। तो ये देखिए जो हमारा आई ब्लिंक का जो नोड है ऐड हो गया और इसको स्लाइड को मैं ड्रैग करूँगा तो हमारा एनिमेशन दिख रहा है या आई ब्लिंक हो रहा है। अब जो हमारा आई ब्लिंक नोड है इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करेंगे जब और डुप्लिकेट टारगेट करेंगे तो ये देखिए हमारा आई जो है डुप्लिकेट हो गया। यहाँ पे देखिए राइट क्लिक करके मैं फ्लिप टारगेट करूँगा।
और ये हमारा फ्लिप हो गया राइट साइड में, और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। ये देखिए राइट हमारा आई ब्लिंक हो गया। अब इसको मैं कनेक्शन एडिटर के थ्रू कनेक्ट कर लेता हूँ दोनों ब्लेंड शेप को। ब्लेंड शेप नोड को मैं राइट में लोड करूँगा और लेफ्ट में जो है हमारे जो है कंट्रोलर, और ये कनेक्ट हो गए। ये देखिए जो हमारा येलो मार्क हमारा दिखाई दे रहा है और दोनों ब्लेंड शेप हमारे यूआई के कंट्रोलर के साथ अटैच हो गए। तो ये हमारा आई ब्लिंक ब्लेंड शेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट ब्लेंड शेप के बारे में डिस्कस करूँगा। थैंक यू दोस्तों।